रहमानुरहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीडिया ऑफिस। आज के लेटेस्ट वीडियो एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के पेंशन के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें अभी तक जो चेंजिंग आई है, जो उस पर अमल दरामद हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। चलते हैं वीडियो की डिटेल की जानिब। तो काफ़ी अर्सा पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान ने फैसला दिया जिसमें जस्टिस साकब नसार और जस्टिस एजाजुल हसन ने ये फैसला दिया कि जो ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन है वो कम से कम उस वक़्त के हिसाब से 15,000 रुपये महाना थी एक मजदूर की उजरत के उसके बराबर की जाए, लेकिन इस वक्त जो मजदूर की उजरत है उसको 25,000 कर दिया गया और अब उसको बढ़ाकर नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है कि 7,000 रुपये उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब एक मजदूर की महाना उजरत जो है वो 32,000 रुपये कर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया, 15,000 भी नहीं की गई और अब जो एक मजदूर की महाना उजरत है वो 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इस हिसाब से ईओबीआई पेंशनर्स की जो पेंशन है वो कम से कम 32,000 रुपये होनी चाहिए, यानी कि एक मजदूर की महाना उजरत के मुसावी होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई फैसला कोई अमल दरामद अभी तक नहीं किया गया, जो कि हठधर्मी है गवर्नमेंट की, जो कि इसको पहले से जैसे उन्होंने लटकाया हुआ है ये मामला पेंशन में इजाफे का, अभी भी ताहाल वैसे ही है। और अदालतों का सिस्टम आपके सामने है, फैसला आ जाता है और उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। तो ये पेंशनर्स की आवाज़ है और जैसा कि जजेस मौजूद जजेस साहबान ने भी कहा कि कम से कम इतने रुपए तो दें कि जो पेंशनर्स है वो गुजारा कर सके, तो गुजारा भी मुश्किल है और महंगाई आपके सामने उस दौर के हिसाब से जब महाना उजर जो थी वो 15,000 रुपये थी उस वक़्त भी मुश्किल था और अब तो डबल ट्रिपल महंगाई हो चुकी है और अब तो गुजर बसर भी नहायत मुश्किल हो चुका है। तो ये पेंशनर्स की आवाज़ है कि हमारी भी जो पेंशन है वो कम अज़ कम एक मज़दूर की उजरत के बराबर करते हैं और कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी ना दें, सिर्फ जो पेंशन है वो एक मजदूर के बराबर तो कम अज़ कर दें जितने मजदूर कमा रहे हैं। तो तमाम पेंशनर्स इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।